करण जोहर के शो पर ही करण के बारे में हो गया ऐसा खुलासा कि हर कोई रह गया हक्का बक्का। किसी को नहीं आया यकीन कि करण ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल कॉफी विद करण में अनुष्का शर्मा ने करण जोहर पर लगाया है गंभीर आरोप। ये आरोप ऐसा है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अनुष्का का कहना है कि करण उन्हें फिल्म ए दिल है मुश्किल की शूटिंग के दौरान गलत तरीके से छूते थे। यही नहीं, जैकलिन फर्नांडिस ने भी करण पर यही आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हाल ही में एक पार्टी के दौरान करण उन्हें गलत तरीकों से छूते रहे। अब अगर आपको लगने लगा है कि ये सब कुछ करण ने सच में किया तो आप गलत समझने लगे हैं। दरअसल करण पर ये सारे आरोप तो लगे लेकिन मजाक में। आपको बता दें कि शो में अनुष्का के साथ कैटरीना कैफ भी मौजूद थी। जब करण ने उनसे कहा कि फिल्म ए दिल है मुश्किल के दौरान उन्हें अनुष्का पर क्रश हो गया था तो बस करण की टांग खींचते हुए अनुष्का ने कहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मैंने अगर कुछ किया तो ये बहुत बुरा होगा। और यही नहीं, इस पर करण का साथ देते हुए कैटरीना ने कहा कि हमें ये लीगल चीजें किसी और दिन के लिए रखनी चाहिए क्योंकि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के साथ कुछ भी गलत हो। आपको बता दें कि वैसे तो कॉफी विद करण में कई बॉलीवुड स्टार्स शामिल हो चुके हैं और इस शो में हंसी मजाक तो चलती ही रहती है।